अश्रय संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने कहा कि उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र की कलेक्टर कमिश्नर होती हैं, उन्हें सभी विभागीय योजनाओं के कार्य की प्रगति पर नजर रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर स्थित आईटी केंद्र में वीडियो कांग्रेस के माध्यम से जिले के सभी पदाधिकारियों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली और कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते समेत अधिकारी मौजूद रहे। गुड आफ्टरनून मैम, धीरेन्द्र प्रताप जागरूक नमस्ते मैम, बोलने किशोर बोले। किस प्रकार का ये दौरा था भीलवाड़ा जिले का और किन गलन मुद्दों पे चर्चा हुई और क्या चीजें निकल करके आई? बेसिकली भीलवाड़ा में ये मेरा फर्स्ट विजिट था आफ्टर ज्वाइनिंग एज डिविजनल कमिश्नर, और जो कुछ हमारी पंचायत समितियां हैं, फॉर इंस्टेंस रूडा हो गया, मांडल हो गया, यहाँ पे मेरे जनप्रतिनिधियों के साथ और हमारे ब्लॉक लेवल अधिकारी और यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और सब वीसी के माध्यम से सारे एसडीओ और वीडियोज के साथ हमारा इंट्रैक्शन था। कोविड के संदर्भ में जो प्रिपेयरनेस है और किस तरह से हमें और जिसे कहते हैं कि जन जागरूकता अभियान चलाने हैं या कई चालान नॉट ओनली पुलिस के द्वारा परंतु मजिस्ट्रेट्स और जो हमारे वर्क प्लेस इंचार्जेस हैं उनके द्वारा भी किए जाने हैं, इसे तो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। साथ ही यह बहुत संतोषजनक है कि यहाँ पे टेस्टिंग अच्छी हो रही है, टेस्टिंग भी अच्छी है और साथ ही उसकी जो रिपोर्ट्स है वो भी टाइमली दी जा रही है। तो भीलवाड़ा न सिर्फ भीलवाड़ा में की सैंपल के टेस्ट कर रहा है परंतु इवन अजमेर चित्तौड़ यहाँ के सैंपल्स के टेस्टिंग भी की जा रही है। मैडम, उसमें आपने एक सवाल पूछा था, टेस्ट कॉन्फ्रेंस शुरू होती ही जो आपने टीम को भी करा, आपका सवाल एक सर्वे से रिलेटेड था, सर्वे कितने हुए हैं, उसका मेरे ख्याल से उस टाइम टीम सही जवाब नहीं दे पाई, तो उसमें कुछ क्लैरिटी मिली आपको? चूंकि बहुत सारे परिवारों का और बड़े लाखों परिवारों को टच किया गया है बार बार, मतलब सेम परिवार के भी कई बार दो तीन बार सर्वे हुए हैं, तो उसको किस तरह से हम और बेटर कर सकें, एक्टिव सर्वेलेंस टीम को कैसे बेटर कर सकें, पल्स ऑक्सीमीटर उनको दिए जाएँ ताकि यदि कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो उसका जो SpO2 है उसको हम रिव्यू करें, ये सारे डायरेक्शन दिए गए हैं। और उसके लिए यही कहा गया है कि जो हमें बेटर सैम्पलिंग, बेटर सर्वे, टाइमली टेस्टिंग, इसके तो डायरेक्शंस दिए हैं। साथ ही सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, फॉर इंस्टेंस अभी गरीब कल्याण योजना है या महात्मा गांधी नरेगा है, इसमें क्या कार्य करने हैं उसके लिए कहा गया है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में ये एक समस्या रहती है बबूल की, जंगली बबूल और सड़क किनारे पटरी नहीं है, तो इन कार्यों को हम नरेगा में ले लें। नरेगा में कैटल शेड्स जो है, पशु आश्रय स्थल कैटेगरी 4 का काम है जो SC ST BPL के लिए होना है, इसे को निर्देशित किया गया है क्योंकि एक फेल्ट नीड है ग्रामवासियों की। साथ ही कोई भी पेंडिंग हमारे राजकीय अलॉटमेंट्स वो टाइमली हो जाए, इसे तो कहा गया है। और एक विशेष अभियान हम 1 तारीख से लगाएंगे पूरे संभाग के अंदर, उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी जो योग्य व्यक्ति है वो पेंशन का अगर योग्यता रखता है, या फॉर इंस्टेंस पालनहार योजना है जिसमें कई कैटेगरी हैं, विधवा का कोई पुत्र है या पुत्र पुत्री है या फिर अनाथ कोई बालक बालिका है, उनको पालनहार में 1000 रुपये तक प्रतिमाह मिलते हैं पेंशन में, ऐसे बच्चों का हमारी